आज ग्राम खोकरा कला में कोरोना महामारी के चलते जिला सहकारी बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नई व्यवस्था की गई। बैंक मैनेजर राजेंद्र सिंह बेस ने बताया कि ग्राम खोकरा कला में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाने के बाद शासन द्वारा बैंक में स्कैनिंग मशीन दी गई है, साथ ही हम ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत देते रहते हैं। बैंक के अंदर जाते समय प्रत्येक व्यक्ति की स्कैनिंग की जाती है, सैनिटाइजर से हाथ धुलाए जाते हैं। सुबह 10 बजे से टोकन बांट दिए जाते हैं और बैंक ऊपरी तल पर होने के कारण लाउड स्पीकर के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का टोकन नंबर बोला जाता है। सीसीटीवी कैमरे की सहायता से ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाता है। सभी लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी जाती है। प्रत्येक ग्राहक को समझाया जाता है कि टोकन नंबर की आवाज होगी तभी बैंक के अंदर आने दिया जाएगा। बैंक की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? बैंक की व्यवस्था में अपन ने जो है वहाँ बिल्डिंग छोटी थी, अभी इस COVID-19 के कारण जो है हमारे मैनेजमेंट ने बड़ी ब्रांच की व्यवस्था की, सीसीटीवी कैमरा लगा के यहाँ से जो है नीचे की भीड़ को कंट्रोल लाउड स्पीकर से किया जाता है, यहाँ देख के बता देते हैं और टोकन अपन ने बात कर दी। इसके बाद उनके हाथ सैनिटाइजर से धुला के गोल घेरे लगा के पेमेंट करवा दिए और थर्मल स्क्रीनिंग करके ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अगर कोई बीमार पाया जाता है तो उसको बैंक के अंदर ही लेंगे, टोकन नंबर और सीरियल नंबर से ही पेमेंट करेंगे। जिसका टोकन नहीं है और बीच में आ गया तो उसको मैंने व्यवस्था कर रखी है कि उसको फिर सबसे लास्ट में बिना टोकन के कोई यहाँ पाया गया तो आखिरी में पेमेंट करता हूँ, इसे अलग रख लेता हूँ छाट के। ताकि जो है ये थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन हमारे जो है MD साहब ने तत्काल यहाँ भेजी, जो है COVID-19 का खोखरा में भी एक नया प्रकरण आया है उसके लिए वो थोड़ी व्यवस्थाएँ हमको सुधारनी पड़ी है। कैमरामैन फूलचंद अहिरवार के साथ मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।